अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पर चलना फिरना, उठना बैठना, उस जगह को देखना, वहाँ पर टाइम स्पेंड करना लोगों की ख्वाहिश होती है। और हम तो ठहरे रेल फैंस, तो हमारी ख्वाहिशात कुछ ऐसी हैं कि मुख्तलिफ स्टेशन पर जाकर रेल फैनिंग करें, और भावलपुर रेलवे स्टेशन पर रेल फैनिंग करना मेरी इन्हीं ख्वाहिशों में से एक है। तो दोस्तों, हाल ही में मैंने कराची से लाहौर जाने का फैसला किया था, लेकिन भावलपुर रेलवे स्टेशन पर थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद, तो दोस्तों मेरे प्लान्स अक्सर ही अचानक बनते हैं। तो इसी अचानक की वजह से मुझे 7UP तेजगाम एक्सप्रेस में कराची से लेकर भावलपुर की डायरेक्ट टिकट नहीं मिली, और मुझे अब के सफर तेजगाम एक्सप्रेस में ही करना था। फिर जब मैंने नवाबशाह से भावलपुर की टिकट देखी तो वो मुझे अवेलेबल मिली, और मैंने नवाबशाह से भावलपुर तक 7UP तेजगाम एक्सप्रेस में सफर करने का फैसला किया। तो अब मुझे कराची से नवाबशाह तक भी आना था, तो इसके लिए मैंने 33UP पार्क बिजनेस एक्सप्रेस में सफर किया। तो दोस्तों, कराची से लेकर नवाबशाह तक 33UP पार्क बिजनेस एक्सप्रेस का ट्रेन जर्नी, और नवाबशाह से लेकर भावलपुर तक 7UP तेजगाम एक्सप्रेस का ट्रेन जर्नी, इन दोनों वीडियोस का लिंक आप लोगों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि 7UP तेजगाम एक्सप्रेस ZCU-36307 के साथ भावलपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही है। तो दोस्तों, 7UP तेजगाम एक्सप्रेस का भावलपुर रेलवे स्टेशन पर तकरीबन 4 मिनट का स्टॉप है, और 4 मिनट स्टॉप करने के बाद ट्रेन यहां से निकल रही है। तो चूंकि ये एक रेल फैनिंग की वीडियो है, तो चलें अब ट्रेन का डिपार्चर भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि ट्रेन मुझे सुबह सुबह भावलपुर रेलवे स्टेशन पर छोड़कर आगे जा चुकी है, यानी कि पिंडी की तरफ जा चुकी है। तो चलें भावलपुर रेलवे स्टेशन पर थोड़ी रेल फैनिंग करते हैं, लेकिन उससे पहले मुंह हाथ धोना भी लाजमी है, क्योंकि जब आप इकोनॉमी क्लास में सफर करते हैं तो अपनी मंजिल पर पहुँचने के बाद आपकी शक्ल किसी भूत से कम नहीं लगती। तो इस भूत से इंसान बनने के लिए मुँह धोना लाजमी होता है। तो वही डाउन प्लेटफॉर्म पर कुछ नलके लगे हुए थे, जहाँ से मैंने अपना मुँह धोया, और वही थोड़ा सा दीदार किया भावलपुर रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग का। तो जब मैं भावलपुर रेलवे स्टेशन पर मुंह हाथ धो के आगे बढ़ा, तो मैंने देखा कि एक स्टॉल पर गरम गरम चाय बन रही थी। तो वहीं मेरी भूख भी अचानक से चमक उठी, और मैंने नाश्ता करने का फैसला किया।
और चाय और बिस्किट लेकर कैंटीन के बराबर में दरख्त के नीचे बैठ गया। तो मैं चाय और बिस्किट खा ही रहा था कि इतनी देर में मेरे सामने आई कराची और लाहौर के दरमियान चलने वाली 15 अप कराची एक्सप्रेस GU40 के साथ। तो दोस्तों, वैसे तो कराची एक्सप्रेस तेजगाम एक्सप्रेस से पहले पहुंचती है भावलपुर रेलवे स्टेशन पर, लेकिन आज कराची एक्सप्रेस थोड़ी लेट है जिस वजह से ये तेजगाम एक्सप्रेस के बाद आई है। तो दोस्तों, नाश्ता करने और बिल वगैरह पे करने के बाद जब मैं थोड़ा सा फ्री हुआ तो उसी दौरान अप ट्रैक्स पर दोबारा से एक GU40 की लाइट्स दिखना शुरू हुई। तो चलिए अब इसे भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को स्टेशन की बिल्डिंग दिखाता हूँ।
दोस्तों भावलपुर रेलवे स्टेशन पाकिस्तान के अब खूबसूरत तरीन रेलवे स्टेशन में से एक है और जिसकी मेन वजह इस स्टेशन की स्टेशन बिल्डिंग है जिसको नहायत ही खूबसूरती और इंतहाई सफाई के साथ बनाया गया है कि जब आप इस स्टेशन की बिल्डिंग को चाहे चलती हुई ट्रेन से देखें या रुक कर देखें एक बार नहीं देखते बल्कि दोबारा पलट कर जरूर देखते हैं। और एक पाकिस्तानी ड्रामा खुदा और मोहब्बत के टीवी पर आने के बाद तो तकरीबन तमाम लोग इस स्टेशन के दीवाने हो गए। और मुझे कैंटीन वाले अंकल ने बताया कि इस ड्रामे के आने के बाद बहुत से लोग ट्रेन से उतर जाते हैं तस्वीरें खिंचवाने के चक्कर में और फिर तस्वीरें खिंचवाने में इतने मगन हो जाते हैं कि पीछे से उनकी ट्रेन कब चली जाती है स्टेशन से उन्हें पता ही नहीं लगता और फिर वो बेचारे सिर्फ एक तस्वीर के चक्कर में दूसरी ट्रेन पकड़ कर मंजिल पर जाते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं जिसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भावलपुर का रेलवे स्टेशन अपग्रेडेशन से पहले कैसा था और अपग्रेडेशन के बाद कैसा है और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कुछ तस्वीरें भावलपुर रेलवे स्टेशन के अपग्रेडेशन से पहले की हैं और भावलपुर का रेलवे स्टेशन अब कैसा है ये तो अब आप लोग इस वीडियो में देख ही रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ बताता चलूं कि भावलपुर रेलवे स्टेशन पर अपग्रेडेशन का काम 2017 में शुरू हुआ और इसके लिए 200 मिलियन का बजट मुख्तस किया गया और साथ ये भी कहा गया कि ये काम 2018 के आखिर तक कंप्लीट हो जाएगा लेकिन इस काम में काफी डिले आया और तकरीबन 2019 के सितंबर में जाकर इस स्टेशन का काम मुकम्मल हुआ यानी कि अपग्रेडेशन का काम मुकम्मल हुआ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब चीजों का टाइम बढ़ता है तो उनकी कॉस्ट भी बढ़ती है तो इसीलिए जो बजट 200 मिलियन रखा गया था वो अब नाकाफी था और इस स्टेशन पर तकरीबन 280 मिलियन रुपए खर्च किए गए हैं तब जाकर भावलपुर रेलवे स्टेशन एक ऐसी सूरत में हमारे सामने मौजूद है। दोस्तों इस वक्त तकरीबन 8 बज रहे हैं और मेरे सामने से आ रही है 44 डाउन शाह हुसैन एक्सप्रेस AGE30 के साथ जबकि इस ट्रेन का राइट टाइम भावलपुर में 2:40 का है यानी कि आज ट्रेन तकरीबन 5 से 5.5 घंटे लेट आ रही है भावलपुर रेलवे स्टेशन पर जो कि यहां पर 2 मिनट रुकेगी और फिर यहां से निकल जाएगी अपने अगले स्टॉप यानी कि रोहड़ी की तरफ और फिर कराची। दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि 44 डाउन शाह हुसैन एक्सप्रेस तो तकरीबन 5 से 5.5 घंटे लेट है ही लेकिन इसी तरह आज कराची और लाहौर के दरमियान चलने वाली 43 अप शाह हुसैन एक्सप्रेस भी तकरीबन 6 घंटे लेट है। Thank you.
तो पहले मैंने यही सोचा था कि भावलपुर रेलवे स्टेशन से 43 अप शाओसन एक्सप्रेस में लाहौर तक जाऊंगा, लेकिन 43 अप शाओसन एक्सप्रेस से पहले आ रही थी कराची और मुल्तान के दरमियान चलने वाली भावुद्दीन जिक्री एक्सप्रेस। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने सोचा कि क्यों ना शाओसन एक्सप्रेस के बजाय जिक्री एक्सप्रेस में यहाँ से मुल्तान तक चला जाऊँ, और शाओसन एक्सप्रेस तो मुल्तान आती ही है, तो मुल्तान से शाओसन एक्सप्रेस में बैठ कर लाहौर तक जाऊँ। दोस्तों जैसे ही मेरा ये प्लान चेंज हुआ तो मैं फौरन टिकट लेने चला गया, और भावलपुर रेलवे स्टेशन का टिकट घर भावलपुर रेलवे स्टेशन की मेन एंट्रेंस से लेफ्ट साइड पर है। तो ये भावलपुर रेलवे स्टेशन का किराया नामा है, तो अब आप ये एक नजर देख लें, हो सकता है कि जिंदगी में ये आपके किसी न किसी काम आ जाए। तो दोस्तों भावलपुर से लेकर मुल्तान तक जिक्री एक्सप्रेस का टिकट मुझे 200 रुपए का पड़ा। तो अब ट्रेन करीब ही है, तो चलें डाउन प्लेटफॉर्म पर चलते हैं। दोस्तों एक अच्छी चीज मुझे ये लगी कि भावलपुर रेलवे स्टेशन पर डाउन प्लेटफॉर्म पर पीने के साफ पानी के कूलर लगे हुए थे, जिनमें इस गर्मी के मौसम में भी ठंडा यख पानी आ रहा था, तो वहीं से मैंने पानी पिया और अपनी बोतल भी भरी। तो चलें पेडिस्टन ब्रिज को इस्तेमाल करते हुए अब प्लेटफॉर्म पर चलते हैं, क्योंकि जिक्रिया एक्सप्रेस कुछ ही देर में आने वाली है। दोस्तों जिक्री एक्सप्रेस से पहले डाउन ट्रैक पर एक जियो 40 के साथ एक फ्रेट ट्रेन आई, तो चले पहले उसकी क्रॉसिंग देख लेते हैं। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि मेरे सामने से आ रही है कराची और मुल्तान के दरमियान चलने वाली 25 अप भावुद्दीन जिक्री एक्सप्रेस, और आज इसके लीड पर लगा हुआ है कराची शर्ट का HGM 38207। तो दोस्तों ये थी भावलपुर रेलवे स्टेशन पर एक छोटी सी रेल फैनिंग की वीडियो, और भावलपुर रेलवे स्टेशन पर घूमने फिरने, नाश्ता करने और खास तौर पर स्टेशन की बिल्डिंग को सही से देखने का मुझे काफी दिन से बहुत शौक था, और बहुत से लोगों ने भी मुझे कमेंट्स में बोला था कि भावलपुर रेलवे स्टेशन पर एक वीडियो, जिस वजह से मैंने जल्दी की इस स्टेशन पर आने की। तो अब आप देख सकते हैं कि हम लोग बैठ चुके हैं 25 अप भावुद्दीन जिक्री एक्सप्रेस में। तो अब आप लोग यहाँ पर समझ ही गए होंगे कि अगली वीडियो किसकी होने वाली है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। इस 25 अप भावुद्दीन जिक्री एक्सप्रेस का जर्नी भी हम जल्दी देखेंगे, जो कि होगा भावलपुर से लेकर मुल्तान तक, और फिर हम मुल्तान से पकड़ेंगे 43 अप शाओसन एक्सप्रेस और फिर उसमें सफर करेंगे लाहौर तक। तो अब आपसे बात होगी इंशाल्लाह मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।